दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि आप अगर कमेंट स्पैम करते हैं तो आपका कमेंट मेरे पास शो नहीं होता है, वो गायब हो जाता है। जब भी आप मुझसे बोलते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई और प्लीज़ विजिट माय चैनल, इस तरह के आप मुझसे कमेंट करते हैं या कोई वीडियो का लिंक डालते हैं, तो वो कमेंट मैंने आपको लाइव दिखाया था मोबाइल की स्क्रीन पर, कि जब भी मैं उसको वाइट स्टूडियो में जाकर उस कमेंट पर क्लिक करता हूँ, मतलब देखना चाहता हूँ कि पूरा कमेंट क्या है, तो दोस्तों वो कमेंट गायब हो जाता है। मतलब वो कमेंट में लिखा आता है दिस कमेंट इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल, यानी वो कमेंट इस टाइम अवेलेबल नहीं है, वो डिलीट कर दिया गया है। तो दोस्तों, लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है, क्यों हमारा कमेंट गायब हो रहा है, आप इस पर फुल वीडियो बनाकर हमें समझाइए। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक फुल वीडियो बनाकर आपके सामने लाया हूं और आपको समझाऊंगा पूरा लाइव प्रोसेस मोबाइल की स्क्रीन पर ही समझाऊंगा कि कैसे कमेंट गायब हो जाता है और क्यों हो जाता है और वो कमेंट जाता कहाँ है और लोगों के वीडियो पर कमेंट करने पर वो कमेंट डिलीट क्यों हो जाते हैं और दोस्तों ये कमेंट डिलीट ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाकर दोस्तों मैं आपको दो सेटिंग्स करना दिखाऊंगा। दोस्तों, एक सेटिंग तो वो है जिसमें हम देखते हैं किसी वीडियो को आपने ओपन किया तो दोस्तों वहाँ पर कमेंट का ऑप्शन ही नहीं आता है, वहाँ लिखा आता है कमेंट आर डिसेबल्ड। दोस्तों, उसको भी कैसे इनेबल करेंगे वहाँ पर हमें कमेंट करने का ऑप्शन मिल सके। तो दोस्तों, एक सेटिंग तो ये हो गई और दूसरी सेटिंग दोस्तों, जब हम कमेंट कर भी देते हैं किसी के में तो दोस्तों वो डिलीट हो जाता है, गायब हो जाता है, वो किसी को शो नहीं होता है। हम एक बार करते हैं तो वो शो होता है, लेकिन उसके बाद वो गायब हो जाता है। दोस्तों, दूसरी सेटिंग ये करना बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग मेरी वीडियो को देख के चले जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो भाई उनसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने में किसी का एक रुपया भी नहीं लगता है, वीडियो को लाइक करने में किसी का एक रुपया भी नहीं लगता है, बस इतना सा हो जाता है दोस्तों कि हम बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, जब आप में से कोई वीडियो लाइक करके जाता है तो दोस्तों हमें बहुत खुशी मिलती है और दोस्तों बहुत मोटिवेट होते हैं हम कि किसी ने हमारी वीडियो को लाइक किया है और चैनल को सब्सक्राइब किया है, मतलब लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है। दोस्तों, इस तरह से अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने वाइट स्टूडियो ओपन करना है क्रोम ब्राउजर में, तो हम ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, क्रोम ब्राउजर में वाइट स्टूडियो ओपन करने के बाद आपके अपने चैनल को लॉगिन कर लेना है। वहाँ पर दोस्तों अपने चैनल को लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर कॉर्नर में नीचे यहाँ पर ऑप्शन नज़र आएगा दोस्तों सेटिंग का, मैं दिखा देता हूँ जूम करके, ये सेटिंग का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जनरल, चैनल, अपलोड डिफॉल्ट्स, परमिशंस, कम्युनिटी और एग्रीमेंट्स। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने चैनल पर क्लिक करना है। चैनल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एडवांस सेटिंग में क्लिक करना है। एडवांस सेटिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन नज़र आएगा, डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज मेड फॉर किड्स। अगर आप दोस्तों इसको यस सेलेक्ट करेंगे तो दोस्तों आपका चैनल जो है मेड फॉर किड्स हो जाएगा, यानी आप जो भी कंटेंट बनाते हैं बच्चे के लिए बनाते हैं, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो बच्चे देख सकें आपका कंटेंट उसके लिए है। अगर आप इसको यस पे सेलेक्ट करेंगे तो समझ लो आपका जो है कमेंट वाला ऑप्शन हमेशा डिसेबल्ड ही रहेगा। तो जो सब्सक्राइब आइकन के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल होता है उसको भी लोग ऑल पे सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, यानी नोटिफिकेशन आपका लोगों को नहीं मिलेगा अगर आपका कॉन्टेंट बच्चे के लिए है और आप इसको यस सेलेक्ट करते हैं तो। अगर लेकिन दोस्तों आपका कोई कंटेंट बच्चे के लिए नहीं है तो आप दोस्तों इसको नो सेलेक्ट करना है, नो सेट दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड्स, आई नेवर अपलोड कंटेंट दैट्स मेड फॉर किड्स। तो आपको इसको दोस्तों नो सेलेक्ट करना है, इससे आपका दोस्तों कमेंट हमेशा इनेबल रहेगा, लोग आपके कमेंट बॉक्स को ओपन कर पाएंगे, कमेंट कर पाएंगे और नोटिफिकेशन बेल भी ऑल पर सेलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको इसको सेव पर सेलेक्ट करना है, मैंने तो दोस्तों इसको नो पर ही सेलेक्ट किया है, इसे दोस्तों मेरा ऑलरेडी सेव है। दोस्तों, ये तो हो गई आपकी फर्स्ट सेटिंग। अब दोस्तों आपको नीचे चलना है, इसके नीचे लिखा हुआ है अपलोड डिफॉल्ट्स, अपलोड डिफॉल्ट्स की सेटिंग पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप दो ऑप्शन देखेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन और एडवांस सेटिंग, यहाँ पर आपको फिर से एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है। एडवांस सेटिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे ऑप्शन नज़र आएगा कमेंट्स का, इस पर आपको यहाँ क्लिक करना है। जितने भी नए यूट्यूबर है जिन्होंने नया चैनल बनाया तो दोस्तों ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, यूट्यूब ने ऑलरेडी की हुई है, ये दूसरे नंबर की सेटिंग आपको यहाँ पर हुई मिलेगी। इसमें दोस्तों आप नीचे वाली सेटिंग भी कर सकते हैं, होल्ड ऑल कमेंट्स फॉर रिव्यू, यानी जो भी आपको गलत कमेंट करेगा, कुछ भी करेगा, मतलब कैसे भी जो यूट्यूब को स्पैम लगते हैं दोस्तों वो होल्ड कर देंगे, वो जब तक आप उसको पास नहीं करेंगे दोस्तों वहाँ पर तब तक वो पब्लिश नहीं होंगे, आपको रिव्यू करना होगा उनको, अगर आप उनको सही मानते हैं तो उनको आप पब्लिश कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको तीसरे नंबर की सेटिंग करनी है। आप फर्स्ट नंबर की सेटिंग कर देते हैं अलाउ ऑल कमेंट्स, तो जो भी गाली गलौज कुछ भी लिखेंगे यूट्यूब उनको स्पैम मानता है तो वो डिलीट कर देगा, लेकिन अगर जैसे वो नहीं मानता है दोस्तों तो आपके सारे कमेंट्स पब्लिक को शो होंगे। इसलिए दोस्तों आपको
कोई सी भी सेटिंग करनी है तो आप इसमें से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहते हैं कि कोई मेरी गाली गलौज कुछ भी फालतू के कमेंट ना करें तो आप इनको होल्ड ऑल कमेंट्स फॉर रिव्यू के लिए कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल मैं रिव्यू ही ना करूं, मेरे तो कमेंट जो भी गलत करे वो डायरेक्ट स्पैम में चले, तो आपको सेकेंड नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करके रखना है। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि मैं सारे कमेंट पढ़ूँ तो आप इसको अलाउ ऑल कमेंट्स पर सेट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों फिलहाल मैंने तो इसको होल्ड पोटेंशियली वाले सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट किया हुआ है। आप जो भी सेलेक्ट हैं इस पर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे यूजर्स कैन व्यू रेटिंग फॉर दिस वीडियो, इसको आपको टिक मार्क लगाना है और सेव पर सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने पूरी सेटिंग को समझ लिया होगा कि इस तरह से आपके कमेंट करने पर वो चैनल वाले को दिखाई देंगे, मतलब लोगों को भी दिखाई देंगे, और आपके कमेंट डिलीट नहीं होंगे। अगर होंगे तो दोस्तों वो अगर बिल्कुल ही स्पैम करोगे तो वो तो डिलीट होंगे ही। लेकिन आपको मैं बता दूं दोस्तों, बहुत सी वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है जिसमें यही बताया गया है कि आप इस सेटिंग को करने के बाद कमेंट करेंगे तो वो डिलीट नहीं होगा, गायब नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें कमेंट करने वाला कुछ सेटिंग नहीं कर सकता। दोस्तों हम अपने चैनल पर सेटिंग कर सकते हैं, ये बात आपको किसी भी यूट्यूबर ने अभी तक नहीं बताई होगी, क्योंकि दोस्तों जैसे मेरा चैनल है तो मैं अपने चैनल पर जब ये सेटिंग इनेबल कर लूँगा तो दोस्तों आपके कमेंट्स गायब नहीं होंगे अगर मैं चाहूँ तो दोस्तों। लेकिन अगर आप चाहें कि मतलब आपके कमेंट डिलीट ना हो मेरी वीडियो पर, दोस्तों आप ऐसी सेटिंग कोई भी नहीं कर सकते हैं। अगर मैं चाहूं कि मैं आपके कमेंट देखना चाहूं, मतलब लोगों को दिखाना चाहूं, तो मैं ऐसी सेटिंग्स कर सकता हूं। अगर मैं चाहूं कि आप कोई भी स्पैम कमेंट करें तो वो डिलीट ही हो जाए, तो दोस्तों मैं मेरी सेटिंग्स बदल सकता हूं। आप अपनी सेटिंग्स अपने चैनल के लिए यानी अपनी वीडियो के लिए बदल सकते हैं, दूसरे की वीडियो के लिए आप अपनी सेटिंग्स नहीं बदल सकते हैं। ये किसी भी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताया है। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपके कमेंट डिलीट ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, कि आप स्पैम भी नहीं कर रहे हैं और जेन्युइन कमेंट कर रहे हैं तो फिर भी आपके कमेंट डिलीट हो रहे हैं। इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को फुल देखना है, मतलब आप वीडियो स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में ही आप कमेंट कर देते हैं, वीडियो लाइक कर देते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर वीडियो आपने फुल देखी है, दोस्तों वीडियो एंड होने के बाद उसके बाद आप कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अगर स्टार्टिंग में आप वीडियो में कमेंट करते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिदम इस बात को भी समझ जाता है कि जब इसने वीडियो ही नहीं देखी तो वीडियो के अच्छा होने का और बुरा होने का अंदाज़ा कैसे लगा सकता है और उसको कमेंट में शो कैसे कर सकता है। इसलिए दोस्तों आपको वीडियो को फुल देखना है फिर कमेंट करना है, आपका कमेंट स्पैम में नहीं जाएगा। और दोस्तों फिर भी अगर आप इस तरह के कमेंट लिखते हैं, जैसे कोई लिंक वगैरह डाल दिया या आपने कोई गाली लिख दी यूट्यूबर के लिए, और या उसमें ऐसा कुछ लिख दिया कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, विजिट माय चैनल, दोस्तों इस तरह से कमेंट वो चाहे तो डिलीट भी हो सकते हैं दोस्तों और वो गायब हो सकते हैं। लेकिन इस तरह से आपको ऐसे कमेंट नहीं करना है दोस्तों। आप उसको डिसलाइक कर सकते हैं लेकिन फालतू के कमेंट उसमें नहीं लिखें। जी दोस्तों, फालतू के कमेंट लिखने से आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है, उल्टा नुकसान ही होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही यूजफुल वीडियो डेली पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही यूजफुल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।